देखो आज संडे है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, देखो फंजाई क्लासिफिकेशन, इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो इलेक्ट्रोफोरस और मिम्स का। ठीक है, फंजाई क्लासिफिकेशन काफी लोगों ने दिया है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो किसका है? इलेक्ट्रोफोरस और मिम्स का। इनका हमें दो का पढ़ना है क्लासिफिकेशन। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें किंगडम बनाया था हमने एक, वो क्या नाम रखा है? माइकोटा। ठीक है, किंगडम क्या है? माइकोटा। किंगडम माइकोटा को इन्होंने तीन डिवीजन में बांटा है। पहला डिवीजन है जिम्नोमाइकोटा, दूसरा है एक्सोमाइकोटा, तीसरा है एमाइकोटा। पहला जो है वो जिम्नोमाइकोटा। जिम्नो का मतलब होता है नेक, जैसे तुम लोग पढ़ते हो जिम्नोस्पर्म, नेक सीड। इसमें ओवरी नहीं होती है, सिर्फ जो सीड होता है वही लगा होता है, इसमें ओवरी नहीं होती है, नेक सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म को। जिम्नो का मतलब होता है नेक और माइकोटा का मतलब होता है फंजाई। इसमें नेक फंजाई आते हैं। जिम्नो माइकोटा में उनको रखा गया है जिनमें सेलवाल नहीं पाई जाती, ऐसे फंजाई जिनमें सेलवाल नहीं पाई जाती है उनको इसमें रखा गया है जिम्नो माइकोटा, इसीलिए इनको नेक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। नॉट ट्रू फंजाई, ये सही ये सत्य के फंजाई नहीं, फंजाई की तरह तो दिखते हैं लेकिन सत्य के फंजाई नहीं, कि हाँ ये ट्रू फंजाई नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि ट्रू फंजाई किसमें नहीं आते हैं, तो जिम्नोमाइकोटा में जो आते हैं फंजाई, इनको ट्रू फंजाई नहीं कहते क्योंकि उनके ऊपर सेलवाल नहीं पाई जाती। इसमें दो सब डिवीजन किए गए हैं, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटा और अक्रेसियो माइकोटा। जिम्नोमाइकोटा को दो सब डिवीजन में बांटा गया है, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटा और अक्रेसियो माइकोटा। प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटा में एक क्लास रखा गया जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मिक्सोमाइसिटीज, कौन सा है? मिक्सोमाइसिटीज। इस क्लास में जो आते हैं इनको बोलते हैं ट्रू स्लाइम मोड, वेरी इंपॉर्टेंट। इस ट्रू स्लाइम मोड किसमें आते हैं? जिम्नोमाइकोटा के सब डिवीजन प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटा के क्लास मेस्टिगो मिक्सोमाइसिटीज में। मिक्सोमाइसिटीज में कौन आते हैं? ट्रू स्लाइम मोड। इनको स्लाइम मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, क्या नहीं होती है? सेलवाल जो होती है इनमें नहीं होती है। सेलवाल जब होगी नहीं तो इनको कहेंगे नेक प्रोटोकार। जैसे कि तुमको पता है जैसे जो सेल होती है ये सेलवाल है, ये अगर सेलवाल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट। और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लास्ट। तो यहाँ से जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला करके जितना भी अंदर का कंपोनेंट होता है, जो लिविंग कंपोनेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग। सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग। तो सेल वॉल को प्रोटोप्लाज्म में शामिल नहीं किया गया। सेल अगर हमने कहा प्रोटोप्लाज्म तो तुम क्या समझोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर का जितना भी लिविंग कंपोनेंट है उसको कैसा है, उसे क्या कहते हैं? नेक प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो ये ध्यान रखना मिक्सोमाइसिटी क्लास में ट्रू स्लाइम मोड्स आते हैं और इसमें जो होते हैं सेलवाल नहीं होती है, नेक प्रोटोप्लाज्म है। एक हमने एग्जांपल लिख दिया है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम नहीं है, क्या है? फाइजेरियम है, ध्यान रखना। फ्यूजेरियम अलग है और फाइजेरियम अलग है। फाइजेरियम है ये, क्या है? फाइजेरियम है। ठीक है, सिलेबस तुम्हारे है नहीं लेकिन क्लासिफिकेशन है तो तुमने लिख दिया, और लॉन्ग आंसर में क्लासिफिकेशन फंजाई का आता, अगर आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो इसका दूसरा सब डिवीजन था एक्रेसियो माइसिटीज, ये भी स्पष्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया है, डिक्टियो स्टीरिया। क्या है? डिक्टियो स्टीरिया। इसमें जो होती है, अगर थोड़ा सा जानना चाहो, इसमें सेलवाल तो होती नहीं है मिक्सो माइसिटीज में, लेकिन एक्रेसियो माइसिटीज सेलवाल जो है हल्का सा फॉर्मेशन इसका स्टार्ट हो चुका है, बहुत हल्का सा,
ज्यादा नहीं, हल्का सा कहीं, मतलब ऐसी स्टेट बनती है जहाँ पे सेल वॉल हल्की सी पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं सेलुलर स्लाइम। अगर पूछे कि स्लाइम मोड्स कौन है, तो मिक्सोमाइसिन में आने वाले हैं, क्योंकि इनमें ये टू स्लाइम मोड्स हैं, पाइसेरी मिक्स का एग्जांपल। अगर पूछता है सेलुलर स्लाइम मोड्स कौन से हैं, तो एक्रेसियोमाइसिन में आते हैं, डिक्सियोस्टीलियम। इनको सेलुलर स्लाइम मोड्स क्यों कहा गया, क्योंकि हल्का सा सेल वॉल, मतलब इनकी लाइफ थोड़ी सी सेल वॉल जो है वो पाई गई है, ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की सी सेल वॉल, स्टार्टिंग कह सकते हैं सेल वॉल की हो गई। ये तुम्हारा जो था डिवीजन पहला वाला जिम्नोमाइकोट का, ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखते हैं दूसरा वाला मेस्टिगोमाइकोटा। मेस्टिगोमाइकोटा में मेस्टिगो का मतलब होता है फ्लैजेला, मेस्टिगो का मतलब क्या होता है फ्लैजेला। मेस्टिगोमाइकोटा में जो डिवीजन है इसमें फ्लैजेला पाया जाएगा, इसमें फ्लैजेला पाया जाएगा। जो तीसरा डिवीजन है ए मेस्टिगोमाइकोटा, ए माने क्या होता है अपसेट, ए मेस्टिगोमाइकोटा इसमें क्या नहीं होगा फ्लैजेला, इसमें अपसेट होगा फ्लैजेला इसमें नहीं होगा। ये होते हैं लोअर फंगाई मेस्टिगोमाइकोटा में, और ए मेस्टिगोमाइकोटा में कौन होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तो इनको ट्रू फंगाई माना ही नहीं ना, तो हम ट्रू फंगाई कहाँ से मानेंगे, इसमें आएंगे वो लोअर फंगाई होंगे, और जो ए मेस्टिगोमाइकोटा में आएंगे वो हायर फंगाई होंगे। ठीक है, मेस्टिगोमाइकोटा को देखते हैं, फ्लैजेला के आधार पर इनको हमने बांटा। ठीक है, इसमें क्या फ्लैजेला पाया जाए, एक है था इसका जो डिवीजन क्या है मेस्टिगोमाइकोटा, इसको दो सब डिवीजन में बांटा गया है, पहला है हेटरोमेस्टिगोमाइकोटा, दूसरा है हेटरोमेस्टिगोमाइकोटा। और ये ध्यान रखना मेस्टिगोमाइकोटा में जो है जो एसेप्टेट माइसीलियम आएगा, तो ये जो लोअर फंजाई है उनमें जो माइसीलियम होगा कैसा होगा एसेप्टेट होगा। ठीक, हेटरोमेस्टिगोमाइकोटा का मतलब फ्लैजेला एक तरफ होगा, फ्लैजेला किधर होगा सिर्फ एक तरफ, डिप्लो माने दो होता है फ्लैजेला, बोथ साइड फ्लैजेला, फ्लैजेला किधर होगा दोनों साइड। ठीक है, तो देखते हैं हेटरोमेस्टिगोमाइकोटा, हेटरोमेस्टिगोमाइकोटा जो सब डिवीजन है इसको हमने क्लास बांटा है, तीन क्लास बांटा है। पहला क्या है काइट्रिडियोमाइसिटीज, क्या है काइट्रिडियो, अगर बहुत इंग्लिश में तकलीफ हो तो हिंदी में भी ऊपर लिखना काइट्रिडियोमाइसिटीज। दूसरा है हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, तीसरा है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। हमें ये वाला अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हमारे में सिंडाइट्रियम सिलेबस में आता है। ठीक, क्लास पहला कौन सा है काइट्रिडियोमाइसिटीज, इसमें फ्लैजेला है कोई सिर्फ एक है, किधर है पीछे है, पीछे मतलब पोस्टीरियर साइड में फ्लैजेला पाया जाएगा सिर्फ एक, इसका क्लास काइट्रिडियोमाइसिटीज। इस क्लास में ऑर्डर है काइट्रिडियेज, अगर किसी नाम के आगे ए एल ई एस लग गया तो क्या बन जाता है ऑर्डर बन जाता है, ए एल ई एस जो ए एल ई एस है किसमें लग गया तो क्या बन जाएगा ऑर्डर बन जाएगा। जैसे हमने बताया था एंजाइम में क्या लगता है लास्ट में ए एल लग जाता है, उसी तरीके से ऑर्डर काइट्रिडियेज फैमिली सिनकाइटेसी जिसके लास्ट में ए सी लग गया ए सी ई ए ई वो क्या बन जाती है फैमिली, जैसे मालवेसी लिखना हो तो क्या हम लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, किंगडम माइकोटा डिवीजन सब डिवीजन माइकोटा क्लास ऑर्डर क्राइटेरियल फैमिली सिनकाइटेसी जीनस सिनकाइटेरियम स्पीशीज हमारे जो है इंडो बायोटिक कॉमन है। फिर अगला है जो हाइपो क्राइटेरियो माइसिटीज, इसमें क्या फ्लैजेला जो एक ही है लेकिन किधर है एंटीरियर पे, प्लाज्मो डियो फोरो माइसिटीज फ्लैजेला दो है किधर है दोनों कैसे है फ्लैजेला एक ही तरफ होगा, देखो इधर एक तरफ है इधर भी एक तरफ है इधर भी एक तरफ है। इनके नाम याद कर सकते हैं, इसमें कोई भी ना फैमिली ना जिस आपके सिलेबस में नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं। ठीक, ये हो गया कंप्लीट है। फिर अगला जो है सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटा का दूसरा सब डिप्लो मेस्टिगोमाइकोटा, डिप्लो मतलब दो मेस्टिगो माने फ्लैजेला दो साइड में फ्लैजेला इसमें होगा। इसमें एक क्लास है आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्लास कौन सा है ओमाइसिटीज क्लास ओमाइसिटीज, सब डिवीजन डिप्लो मेस्टिगोमाइकोटा का क्लास है ओमाइसिटीज। फ्लैजेला वन एंटीरियर एंड वन पोस्टीरियर, एक देखो आगे है एक इधर है पीछे, वन एंटीरियर है वन पोस्टीरियर। ठीक है,
क्लास को हमने चार ऑर्डर में डिवाइड किया। कौन से क्लास को? क्लास ओ मॉलिक्यूल्स को चार ऑर्डर में डिवाइड किया। चार ऑर्डर कौन कौन से? पहला सेफ्रोलेग्नियस, दूसरा लेप्टोमीटेल्स, तीसरा है लेग्नियोटेल्स, चौथा है जिरेनोस्पोरेस। जो आपको अच्छे से पढ़ना है, जो बिल्कुल याद ही करना है हर हाल में, वो कौन सा है? जिरेनोस्पोरेस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले से पहला कौन सा है? सेफ्रोलेग्नियस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें सेफ्रोलेग्नियस में फैमिली भी होगी, लेकिन वो हमने लिखी नहीं है। सेफ्रोलेग्नियस में एक आता है जीनस सेफ्रोलेग्निया। सेफ्रोलेग्निया, सेफ्रोलेग्निया जो है नॉर्मली कैसा होता है? सेफ्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी, सड़ी गली चीजों से ही अपना खाना लेता है नॉर्मली। बट सेफ्रोलेग्निया की एक स्पीसीज है पेरोसीनिया। ये कैसी होती है? पैरासाइट मतलब परजीवी, मतलब परजीवी का मतलब दूसरे लिविंग पे रहेगी उसको क्या करेगी? बीमारी। तो सेफ्रोलेग्नियस जो है, इसमें सेफ्रोलेग्निया आता है, और इस सेफ्रोलेग्निया में जो जितने भी सेफ्रोलेग्निया है वो सब कैसे हैं? सेफ्रोफाइट्स, मृतोपजीवी है, मतलब सड़ी गली से खाना, किसी को भी डिजीज नहीं करते हैं। लेकिन एक सेफ्रोलेग्निया की स्पीसीज है पेरोसीनिया, ये होती है पैरासाइट, और किस पे होती है? फिश पे। जो तुम्हें पता है फिश में फेफड़े तो होते हैं, गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं ना, तो यही सेफ्रोलेग्निया पेरोसीनिया जो होता है गिल्स पे भी ग्रो करती है। गिल्स को जो होता है वहां से उसको डिगे करता है, खा जाता है। गिल्स वहां मांस होता है, मांस क्या करता है? खा जाता है। तो डिजीज होती है, बोलते हैं सैल्मन डिजीज। क्या बोलते हैं? सैल्मन डिजीज ऑन गिल्स ऑफ फिश। मछली के जो गिल्स होती है उसमें होती है सैल्मन डिजीज। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमसे इंटरव्यू में जो है वो यही पूछा गया कि सेफ्रोलेग्निया कैसा है। सेफ्रोफाइट है, तो उन्होंने कहा कि क्या सारे के जितने हैं वो सब सेफ्रोफाइट हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, सेफ्रोलेग्निया की एक पेरोसीनिया जो है वो कैसी है? पैरासाइट है। और कौन सी करती डिजीज? सैल्मन डिजीज ऑन। तो इम्पोर्टेंट है, हमें इसलिए लिख दिया, ये ऑप्शन है, लेकिन आपके सिलेबस में सेफ्रोलेग्निया नहीं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट। अगला ऑर्डर है लेप्टोमीटेल्स। कोई भी इसमें आपको पढ़ना नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी खास बात जान लीजिए, इसकी सेलवाल जो उसकी काहे की बनी होती है? सेलोसिस। नॉर्मली फंगाई की सेलवाल काहे की बनी होती है? काहे की नहीं बनी होती, लेकिन ये जो उसमें जो आते हैं फंगाई लेप्टोमीटेल्स में, उनकी सेलवाल काहे की बनी होती है? सेलोसिस। एक पॉइंट से आपको याद रखना, लेग्निनोडियल्स है संज्ञा, लेकिन कोई भी ना पॉइंट इम्पोर्टेंट है ना कोई जीनस इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो अगला है पिरेनोस्पोरेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पिरेनोस्पोरेस में हमने तीन फैमिली को डिवाइड किया। एक ऑर्डर है कौन सा? पिरेनोस्पोरेस। इसमें तीन फैमिली को रखा गया है, एल्ब्यूजिनेसी, पाइथियसी और पिरेनोस्पोरेस। एल्ब्यूजिनेसी में कौन सा आएगा? एल्ब्यू आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है। जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिए हैं इस तरह से, वो आपके सिलेबस में है। सिंकाइडियम है, एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो। और ये दूसरा दूसरी फैमिली कौन सी है? पाइथियसी। इस पाइथियसी में हमने दो लिख दिए, एक है पाइथियसी में कौन सा है? पाइथियम है, नाम से लग रहा है पाइथियसी, पाइथियम। और जो दूसरा है वो है फाइटोप्थोरा। इसकी डिजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी होती है फाइटोप्थोरा? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इसीलिए हमने लिख दिया फाइटोप्थोरा किस में था? पाइथियसी फैमिली में। लेकिन ये आपके सिलेबस से इसी साल हट चुका है, पिछले साल तक था। अगला है पिरेनोस्पोरेसी, में कौन सा आएगा? पिरेनोस्पोरा। ये इतिहास में यदि आपके सिलेबस में ना ये है ना ये है, ये जो बॉक्स से बंद है वो आपके सिलेबस में है। तो इसमें अब कोई तकलीफ है तो हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं।